टॉप 100 एंटरप्रेन्योर इन इंडिया के तीसरे क्रमांक पर हमने रखा है लक्ष्मी निवास मित्तल। तो चलिए जानते हैं स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल की सक्सेस स्टोरी। लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म 2 सितंबर 1950 को भारत में राजस्थान स्थित चुरू जिले की राजगढ़ तहसील में लक्ष्मी परिवार में हुआ था, जो कि उस समय का 25 लोगों एक संयुक्त परिवार हुआ करता था। उनके पिता का नाम मोहनलाल मित्तल और भाइयों का नाम प्रमोद मित्तल और विनोद मित्तल है। उनके परिवार का पहले से ही निप्पंडेन इस्पात के नाम से व्यवसाय था। लक्ष्मी निवास मित्तल ने अपनी स्नातक पूर्ण करने के बाद भारत सरकार के प्रोत्साहन पर वर्ष 1976 में इंडोनेशिया की राह पकड़ ली और 26 वर्ष की आयु में अपने पिताजी की सहायता से अपने पहले स्टील कारखाना पी.टी. इस्पात इंडो की इंडोनेशिया के सिदोअजो में स्थापना की। वर्ष 2007 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा था। वर्ष 2008 से लेकर वो आज तक गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सदस्य भी है और विश्व स्टील संगठन के कार्यकारी समिति, भारतीय प्रधानमंत्री के वैश्विक सलाहकार समिति। करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।